कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती। कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति, परमहंस जी की कृपा। कहीं इस तरह भी जप किया जाता है, धीर गंभीर भाव से अर्थ का अनुसंधान करते हुए अंतःस्थल से एक एक अक्षर का उच्चारण करो, उसके साथ एक हो जाओ। क्या तुम बेगार भरने के लिए संख्या पूरी करते हो? एक सुर से भी इतना बोल गए और मेरा सिर पकड़कर हिला दिया। मैंने चौंक कर देखा तो एक लंबे तगड़े गौर वर्ण के तेजस्वी महात्मा मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैंने माला वहीं छोड़ दी, सिर से उनके चरणों का स्पर्श किया और जिस चौकी पर मैं बैठकर जप कर रहा था उस पर उन्हें बैठा दिया और मैं स्वयं उनके चरणों के पास जमीन पर ही बैठ गया। ये महात्मा मेरे अपरिचित नहीं थे। मैंने इन्हें तब देखा था जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की भी नहीं रही होगी। ये कभी कभी मेरे बाबा के पास आया करते थे। इनके दिए हुए नारियल के प्रसाद मुझे भूले नहीं थे। उनके भरे हुए मुखमंडल पर एक ऐसी आकर्षक ज्योति जगमगाती रहती थी जिसे एक बार देख लेने पर दिल में गहरी छाप पड़ जाती थी। गठा हुआ नेपाली शरीर, लोगों से कम मिलना जुलना और अपनी कुटी में रहकर एकांत साधना करना, यही उनके जीवन की विशेषताएं थी। वे चौमासे में प्रायः नेपाल चले जाते थे और बाकी महीनों में मेरे गांव से 2 मील की दूरी पर एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बनी हुई छोटी सी कुटिया में रहते थे। मैं जाने कितनी बार इनसे मिला था, परंतु आज की तरह नहीं। आज तो 4 बजे रात को जब मैं अपनी जप संख्या पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी माला फेर रहा था, तब अचानक इनके दर्शन हुए और उपर्युक्त बात कहकर वे उस छोटी सी चौकी पर बैठ गए। वे मौन थे, उनके चरणों की ओर देखता हुआ मैं भी मौन था। इस प्रकार 15-20 मिनट तो बीत ही गए होंगे। उन्होंने अपना मौन भंग करते हुए कहा, मुझे इस समय यहाँ देखकर आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं। मैंने सुना कि अब तुम उपनिषद आदि पढ़कर लौट आए हो और परमात्मा की ओर तुम्हारी कुछ प्रवृत्ति है, तो मन में आया चलें जरा देख आएं क्या हालचाल है। इतना सवेरे आने का कारण ये था कि मनुष्यों की प्रवृत्ति जानने के लिए यही समय उपयुक्त है। किसी मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति जाननी हो तो ये देखना चाहिए कि वह क्या करता हुआ सोता है और क्या करता हुआ जागता है। वे दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य को उसकी रुचि और प्रवृत्ति के समीप रखती है। तुम्हें जप करते देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी शुभेच्छा और तत्परता प्रशंसनीय है, परंतु इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मैंने जानना चाहा कि क्या क्या संशोधन होने चाहिए, परंतु उन्होंने उस समय मेरे प्रश्न को टालते हुए कहा, चलो अभी तो गंगा जी चलें। शुद्ध प्रभाती वायु के सेवन से शरीर में एक नवीन स्फूर्ति का प्रवाह होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, इसलिए चलो गंगा जी। गंगा स्नान तो होगा ही, प्रातःकालीन भ्रमण भी हो जाएगा। वे आगे आगे चले और मैंने उनका अनुसरण किया। गंगा जी के प्रति मेरा सहज आकर्षण है। गंगा जी का पुलिन, उनके तट के वृक्ष, उनकी अठखेलियाँ करती हुई तरंगे मेरे मन को बरबस हर लेती है। मेरे मन में एक नहीं, अनेक बार ऐसी इच्छा होती है कि मैं गंगा तट पर रहूं, केवल गंगा जल पीऊं और स्वर्ण सी चमकती हुई नवनीत सी कोमल बालुकाओं पर मन भर लौटूं, लौटता ही रहूं। जब मैं परमहंस जी के पीछे पीछे चला तब मेरे मन में केवल यही कल्पना थी कि आज परमहंस जी के साथ गंगा जी में खूब स्नान करूंगा, उनसे जप और ध्यान की विधि सीखूंगा। रास्ते में न वे बोले और न मैं, दोनों मौन रहे, परंतु गंगा जी की दूरी ही कितनी थी, बस 1 मील से कुछ अधिक। बात की बात में हम वहाँ पहुँच गए। शौच स्नान संध्या तर्पण आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर वहीं मनोहर वटवृक्ष के नीचे हम लोग बैठ गए। नाम जप की विधि। परमहंस जी का रूप देखकर मैंने उनसे पूछा, भगवान
जप में यदि संख्या पूर्ति का ध्यान न रखें तो कैसे काम चले? क्या जल्द से जल्द अधिक से अधिक नाम जप कर लें, ये उत्तम नहीं है? उन्होंने कहा, उत्तम क्यों नहीं है? भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए उत्तम ही है, परंतु नाम जप के साथ यदि भाव का संयोग हो, प्राणों का संयोग हो और रस लेते हुए नाम जप किया जाए तो इसका फल पग पग पर मिलता जाता है। एक एक नाम का उच्चारण अपरिमित आनंद दान करने वाला होता है। केवल नामोच्चारण सफल होता है, परंतु कुछ विलंब से। देखो, तुम्हें मैं स्पष्ट बतलाता हूँ। इस प्रकार परमहंस जी बोलने लगे। साधारणतः नाम जप वाक इंद्रिय का काम है। वाक इंद्रिय एक कर्मेंद्रिय है। इसका संचालन प्राण शक्ति के द्वारा होता है। वाक कर्मेंद्रिय से जप करने का अर्थ है प्राणों के साथ उसको एक कर देना। यदि जप स्वर से होता है, जिह्वा की एक नियमित गति रहती है, तो प्राणों की गति भी नियमित रूप धारण कर लेती है। बेसुरे ढंग से एक सांस में 5-7 बार राम राम कह जाने की अपेक्षा एक बार स्वर से राम कहना उत्तम है। गंभीरता के साथ राम राम इस प्रकार जप करने में प्राणायाम की अलग आवश्यकता नहीं होती। क्रिया शक्ति पर नियंत्रण होने के कारण आसन स्वयं सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक तो स्थूल क्रिया की बात हुई। जब केवल कर्मेंद्रिय से ही नहीं होता और इंद्रियों की अपेक्षा वाक इंद्रिय की एक विशेषता है, वह यह है कि वाक इंद्रिय के साथ एक ज्ञान इंद्रिय जिसको रचना कहते हैं रहती है। अधिकांश तो वाक इंद्रिय से ही जप करते हैं, उसमें रसनेन्द्रिय का उपयोग नहीं करते। उपयोग करने की बात ही क्या, उसका स्वरूप ही नहीं जानते। रसना का नाम है, रसना का काम है रस लेना। वाक इंद्रिय से नाम का उच्चारण हो और रसना उसका रस ले। प्रत्येक नाम की मधुरता आस्वादन करें, यह परिणाम में ही नहीं वर्तमान में भी सुखद है। इस प्रकार रस की धारणा करने से प्रत्याहार की अलग आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानेन्द्रिय और मन का एकत्व हो जाता है। नियमित गति से वाक इंद्रिय प्राण में लय हो जाती है और रस लेने से ज्ञानेन्द्रिय मन में लय हो जाती है। इस समय यदि मंत्रार्थ का चिंतन रहा तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि इस चिंतन में प्राण और मन दोनों एक हो जाएंगे। प्राण और मन का एकत्व ही सुषुम्ना का संचार है। और यदि पहले ध्यान की एवं पीछे समाधि की अवस्था है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जप में तीन बातें रहे, मंत्र का उच्चारण गंभीरतापूर्वक नियमित गति से हो, मंत्र की मधुरता का आस्वादन हो और मंत्र के अर्थ का चिंतन हो, तो किसी भी हठ योग या लय योग की आवश्यकता नहीं है। केवल जप से ही पूर्णता प्राप्त हो जाती है। एक बात और, मंत्रार्थ चिंतन का ये तात्पर्य नहीं है कि उसके शब्दों का अलग अलग अर्थ जान लिया जाए। मंत्र के एकमात्र अर्थ है अपने इष्ट देवता, उनका जो स्वरूप अपने चित्त में हो, उसका चिंतन ही मंत्रार्थ चिंतन है। यदि तुम इस बात को समझकर इसके अनुसार जप कर सकोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने अपने उपदेश का उपसंहार किया। मैं अभी कुछ सुनना चाहता था। मुझे परमहंस जी के उपदेशानुसार जप करने में बड़ी कठिनाइयां मालूम होती थी, परंतु मैंने अब इस समय कुछ पूछना उचित न समझा। धूप हो रही थी, ये मालूम नहीं था कि वह अपने कुटी में जाएंगे या मेरे घर, इसलिए मैं चुप ही रहा और मेरा भाव समझकर उन्होंने वहाँ से यात्रा कर दी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अंतश्चिंतन। परमहंस जी की कुटिया बड़े सुंदर स्थान पर थी। जल का भारी ताल, बड़े सुंदर सुंदर घने वृक्ष देखने योग्य थे। परमहंस जी तो कभी कभी उन वृक्षों से ही घंटों बात करते रह जाते थे। आसपास के गांवों में वे सिद्ध के रूप में प्रख्यात थे, इसलिए उनकी इच्छा के विपरीत वहाँ कोई नहीं आता था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सर्वथा एकांत था। मुझे बाहर छोड़कर परमहंस जी अपनी एकांत कुटिया में ध्यानस्थ हो गए
और मैं बाहर बैठकर साधना की कठिनाइयों पर विचार करने लगा। मैं सोच रहा था साधन तो सुगम से सुगम होना चाहिए। जन्म जन्म से कठिनाइयों के चक्र में पिसता हुआ जीव यदि भगवान की ओर चलने में भी कठिनाइयों के अंदर ही रहे तो फिर साधना और साधारण स्थिति में अंतर ही क्या रहा। अपनी असमर्थता, दुर्बलता और चंचलता को देखकर निराश हो गया। मैंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मालूम नहीं कि तुम कैसे हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पास पहुँचने का क्या साधन है। मैं ये सब जान सकूँ इसका भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझ आश्रयहीन के तुम ही आश्रय हो, मुझ दीन के तुम ही दयालु हो, मुझ भिखारी के तुम ही दाता हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे तुम ही अपना मार्ग दिखाओ। मैं प्रार्थना करते करते तन्मय हो गया। ये पता नहीं रहा कितना समय बीत गया। साधन वरदान। 2 बजे परमहंस जी कुटिया से बाहर आए। प्रसाद पाने के अनंतर उन्होंने स्वयं कहा, साधना में कोई कठिनाई नहीं है। ये मार्ग तभी तक भीहड़ मालूम होता है जब तक इस पर पैर नहीं रखा जाता। इस पर चल दो, फिर तो तुम्हारी सब कठिनाइयां अपने आप हल हो जाएंगी। संसारी पुरुष जिसे कठिनाई समझते हैं वह तो साधकों के लिए वरदान है। कठिनाई में ही उनकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने साध्य को प्राप्त करके ही रहूँगा, भला ऐसी कौन सी कठिनाई है जो उसे अपने मार्ग से विचलित कर सके। कठिनाई भी एक साधना है जो साधकों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आई वह जीवन के मार्ग में कुछ आगे भी बढ़ा है, इसका क्या सबूत है। और भी बहुत सी बातें हुई, उनका मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कठिनाइयों की परवाह किए बिना मैं आज ही से साधना में लग जाऊंगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो परमहंस जी के शरीर से, उनके नेत्रों से एक दिव्य शक्ति निकलकर मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मुझमें एक अद्भुत उत्साह की स्फूर्ति हो रही है। मैं उनके सामने बैठा बैठा ही एकाग्र हो गया। मेरे चित्त में स्थिरता और शांति का उदय हुआ। मैं जान सका कि अब मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। सशक्त जप। घर लौटने पर मैंने परमहंस जी के उपदेशानुसार जप करना प्रारंभ किया। मैं स्थिर आसन से बैठकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाम का उच्चारण करता, परंतु होठ मेरे हिलते न थे। मैं जप करता, कृष्ण कृष्ण, परंतु ये क्रिया प्राणों की शक्ति से ही संपन्न होती। पूरा मन जप में ही लगा रहता, रसनेन्द्रिय स्वाद भी लेती। पहले कुछ दिनों तक तो यदि कभी मन असावधान हो जाता तो जप ऊपर ही ऊपर होने लगता, परंतु कुछ ही क्षणों में ये मालूम हो जाता कि बिना शक्ति लगाए ही जप हो रहा है। उसका मेरे शरीर और अंतःकरण पर कोई दृश्य प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं तुरंत सजग हो जाता और फिर बलपूर्वक नाम का उच्चारण करने लगता। मुझे प्राणों की ओर ध्यान नहीं रखना पड़ता था, मैं तो केवल बल की ओर ही ध्यान रखता था, परंतु प्राणों की गति स्वयं ही नियमित और नामानुवर्तनी हो जाती थी। नाम के उच्चारण के समय क का कंपन कंठ से और री श ण का मूर्धा में होता था। इससे अपने आप ही प्राणों की गति मूर्धा की ओर हो गई। अब जो जप करते समय मुझे इसका भी स्मरण नहीं रहता था कि प्राण वायु चल रहा है अथवा नहीं। मेरा मन सहज रूप से एकाग्र होने लगा। जब मेरा मन एकाग्र हो जाता, अर्थात किसी तरफ जाना छोड़कर जप में ही पूरी तरह से लग जाता, तब ऐसा मालूम होता कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जितना बड़ा ही एक ज्योतिपुंज हूँ, केवल घन प्रकाश जिसकी आकृति मेरे शरीर जैसी ही थी मेरे मन के सामने रहता था। यदि कभी उससे बाहर दृष्टि जाती तो ये प्रकाश शरीर भी एक हल्के प्रकाश से घिरा हुआ दिखता। तात्पर्य ये कि मेरा मन किसी पार्थिव अथवा जलीय पदार्थ को देखता ही न था, केवल तेज का अनुभव करता था। इस तेजोमय शरीर के अंदर
कृष्ण कृष्ण का उच्चारण होता रहता और ऐसा मालूम होता कि ज्योति की धारा ऊर्ध्वगामिनी हो रही है। ये मेरी भावना न थी, क्योंकि मैं इस प्रकार की भावनाओं को भूल कर केवल जप करना चाहता था, परंतु इसमें संदेह नहीं कि ये मंत्र वर्णों के संघर्षण का ही फल था। इस प्रकाश की धारा ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होकर मस्तक में केंद्रित होने लगी। अवश्य ही कई महीनों के अभ्यास के बाद ऐसा मालूम होने लगा था। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता कि यदि सहस्र सहस्र सूर्य इकट्ठे कर दिए जाएं, तो भी इस मस्तक स्थित प्रकाश की तुलना में नहीं आ सकते, परंतु उस प्रकाश के केंद्र में भी कुछ क्रिया होती सी दिखाई पड़ती और पूरी शक्ति से कृष्ण कृष्ण का पूर्ववत जप होता रहता। अब ये इच्छा नहीं होती थी कि जगत के किसी आवश्यक कार्य के लिए मैं अपनी आँखें खोलूं, परंतु जब कभी मैं आँख खोलता था तो बाहर भी मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। कुछ क्षणों के बाद बाहर विभिन्नताएं दिख भी पड़ती थी तो रह रहकर उनके अंदर प्रकाश की एक रेखा चमक जाती थी। प्रायः उस समय भी बिना किसी चेष्टा के मेरे अंदर जप होता रहता था और कभी कभी तो बाहर की वस्तुओं में भी जप होता हुआ दिखता था। मानो पृथ्वी का एक एक कण कृष्ण कृष्ण कह रहा हो। थोड़े ही दिनों के अभ्यास से ऐसा मालूम होने लगा कि मस्तक के दीख पड़ने वाला प्रकाश मानो चैतन्य हो गया है। सूर्य के समान उस प्रकाश में, जो कि चंद्रमा से भी शीतल था, एक नीलोज्वल ज्योति आती और चमक कर छिप जाती। कभी मुकुट दिख जाता, कभी पीतांबर, कभी चरण कमलों की नख ज्योति इस प्रकार चमक जाती थी। वह महान प्रकाश भी निष्प्रभ हो जाता, मानो घने अंधकार में बिजली चमक गई हो। अब मेरा ध्यान प्रकाश की ओर नहीं जाता, वह तो रूखा मालूम होता। मैं संपूर्ण अंतःकरण से केवल उस नीलोज्वल प्रकाश की ही बाट देखता रहता। मेरा संपूर्ण अंतःकरण उसके दर्शन के लिए उत्सुक व्याकुल और आतुर रहा करता था। एक क्षण भी युग सा मालूम पड़ता, परंतु जिस समय वेदना असह्य हो जाती उस समय वह ज्योति अवश्य ही एक बार नाच जाती थी। इस अनुभूति के समय भी कृष्ण कृष्ण की धारा कभी बंद नहीं होती थी। अब मेरे ध्यान का दूसरा ही रूप हो गया था। जब मैं एकाग्र हो जाता तो इस शरीर की तो स्मृति नहीं रहती थी, परंतु एक दूसरा शरीर जिसकी आकृति इससे मिलती जुलती थी, परंतु इस पांच भौतिक तत्वों से जिसकी संघटना नहीं हुई थी, जो ज्योतिर्मय और दिव्य था, प्रकट हो जाता। ये प्रकट हुआ, ये स्मृति भी नहीं रहती, बल्कि मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता। उस शरीर से भी कृष्ण कृष्ण का जप होता रहता। मेरे उस हृदय में भी कृष्ण के लिए छटपटी थी, मेरी आँखें तरसती रहती थी उन्हें देखने के लिए, मेरी बाहें फैली ही रहती थी उनके आलिंगन के लिए। यदि मेरे रोम रोम का कोई विश्लेषण कर पाता तो देखता कि वे श्री कृष्ण के संस्पर्श की अभिलाषा से गठित हुए हैं। मेरे रग रग में एक ही बिजली दौड़ती रहती थी कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की अमृत धारा से सराबोर हो जाऊं। यह बात नहीं, अंतरदर्शन, यह बात नहीं कि उस समय मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होते ही न हों। होते थे, बार बार होते थे, कभी कभी तो प्रत्येक क्षण के बाद होते थे, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं था। वह एक क्षण का विलंब मेरे लिए तो कल्प से भी बड़ा था। वे आते, मैं उन्हें भर आँख देख भी नहीं पाता, वे चले जाते। मैं उनको पहनाने के लिए हाथों में माला लेकर खड़ा होता और वे लापता, परंतु ये बात बहुत दिनों तक न रही। वे आते हंसते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमुक ठुमुक कर चलते हुए आकर कभी मेरे सिर पर हाथ रख देते और कभी प्रेम से मुझे चपत लगा देते। मेरा रोम रोम खिल उठता, आनंद के आंसू मुझे तर कर देते। मैं उनके चरणों का स्पर्श करता, उन्हें माला पहनाता, अपने हाथों से उन्हें सुंदर सुंदर फल खिलाता, उनके काले काले घुंघराले बालों में फूल गूंथ देता और हाथ में आरती लेकर उनके सामने नाचते नाचते मस्त हो जाता। तन बदन की शुद्ध नहीं रहती, जब मैं गिर जाता तो अपने को उनकी गोद में पाता।
वे मुझे जगाते, दुलारते, पुचकारते, प्रेम की बातें करते और क्या नहीं करते। मैं उनका था, वे मेरे थे, परंतु जब भी मेरी चेतना शरीरोन्मुख होती तो मैं देखता कि मेरे रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। संपूर्ण वायुमंडल और आकाश का कोना कोना उस पवित्र गुंजार से प्रतिध्वनित हो रहा है। एक अनिर्वचनीय रस प्रत्येक वस्तु के अंतराल से अबाध गति से भर रहा है। स्थूल दृष्टि से यह सब मेरे ध्यान की स्थिति थी, परंतु उस समय मेरे लिए इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्थूलता रहती ही न थी। स्थूल था तो वही, सूक्ष्म था तो वही। कम से कम मेरे चित्त में ऐसी बात थी, भगवान का अमृतमय संस्पर्श प्राप्त होता रहे तो स्थूल और सूक्ष्म का प्रश्न ही कहाँ से उठे। जो हृदय में भगवान के हृदय का रस नहीं प्राप्त कर सकते, वे ही प्राय शरीर से मिलने के लिए जबानी व्याकुलता प्रकट किया करते हैं। जो हृदय में इस रस की अनुभूति से निहाल होते रहते हैं, वे उसको छोड़कर बाहर आएंगे ही क्यों, जिससे कि उन्हें बाहर की चिंता करनी पड़े। मैं उस समय अपनी उस स्थिति में रस का अनुभव करता था, जिस स्थिति या जिस स्थूल शरीर में आने पर मैं उससे वंचित हो जाता, उसमें आने की मैं इच्छा ही क्यों करता। लोगों की प्रेरणा से यदि मैं स्थूल व्यवहार में आता तो क्षण क्षण अंतर जगत का आकर्षण मुझे वहीं जाने के लिए खींचता रहता। बाहर का काम समाप्त होते ही मैं वहां पहुंच जाता। दर्शन। एक दिन मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था। रास्ते में पलाश के विशाल जंगल को देखकर इच्छा हुई कि यहाँ जाएं। मैं एक छोटे से वृक्ष की मनोहर छाया में बैठ गया। जाड़े का दिन था, उतने सवेरे वहाँ कौन आता। एकांत इतना था कि वायुमंडल की सन सन आवाज़ आ रही थी। मैंने स्वस्तिकासन से बैठकर हाथों को गोद में रखा और आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया। परंतु ये क्या, पलकें बंद रहना चाहती। एक शक्तिमान प्रकाश पलकों की दीवार लांघकर आंखों के तारों में घुसा जा रहा था और मैं बल लगाने पर भी आंखों को बंद करने में असमर्थ था। आंखें खुली तो देखा न वह जंगल है, न वह वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा था और जिसकी स्मृति अभी ताजी थी। चारों एक और एक घना प्रकाश फैला था और उसके बीच में ज्यों का त्यों स्वस्तिकासन में बैठा हुआ था। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन की ही लीला हो। मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। विवश होकर मैंने अपने सामने देखा, पृथ्वी से करीब एक हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। शरीर गौर वर्ण का था, फूलों का ही दिव्य आभूषण था, साथ ही मुकुट पर मयूर पिच्छ था और दोनों हाथों में बांसुरी थी जो अधरों से लगी हुई थी और जिसकी सुरीली आवाज़ मेरे प्राणों में प्रवेश कर रही थी। देखकर मैं चकित हो गया। बांसुरी और मयूर पिच्छ से स्पष्ट हो रहा था कि ये श्री कृष्ण हैं। मन ने मैं कहा, वे तो श्याम सुंदर हैं, ये गौर सुंदर कहाँ से। मैंने उनके चरणों में साष्टांग लौट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया, वह हिल तक नहीं सका। मैंने बोलकर अपने मन का भाव उन पर प्रकट करना चाहा, परंतु मुंह खुला ही नहीं। मैंने हाथ जोड़ने की चेष्टा की, परंतु हाथ अपने स्थान से उठे नहीं। हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था, आंखों में आंसू थे। मैं केवल देख रहा था उनको और वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए ऊपर ही ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे। मैं केवल देख रहा था। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। उन्होंने अपना मौन तोड़ा। मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। वे बोले, मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ ना, तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो। केवल इस समय, केवल इस रूप के साथ ये संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, ये मेरी लीला भूमि है। इसके एक एक कण में मेरी रासलीला हो रही है और ये सब मेरा और मेरी प्रिया का ही रूप है। तुम स्थूल, सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है। तुम पूर्व को पश्चिम क्यों समझ रहे हो, तुम मुझको जगत क्यों समझ रहे हो।
ये सब मेरे युगल स्वरूप की क्रीड़ा है, जिसे जगत के लोग उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट रूप में देखते हैं। उसके भीतर, उसके गुह्यतम प्रदेश में, जहाँ उनकी आंखें नहीं पहुँच पाती, वहाँ मेरी अनादि और अनंत रसमय, मधुमय, लास्यमय एक रस रासलीला हो रही है। भगवान चुप हो गए। मेरी आंखें जिजर जाती थी, युगल सरकार और उनको घेर कर नाचती हुई सखियां ही दिखती थी। अपना शरीर, जगत, एक एक संकल्प और संपूर्ण वृत्तियां उसी लीला से परिपूर्ण हो रही थी। न जाने कितनी देर तक ये लीला देखता रहा। अंत में मैंने देखा युगल सरकार मेरे सामने खड़े हैं और सखियां उनकी सेवा कर रही है। जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुका तो स्पर्श करते न करते देखा कि वे वहाँ नहीं हैं, और मैं उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और मेरे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की गंभीर ध्वनि निकल रही है। जब मेरी आंखों ने चकित होकर कुछ दूर तक देखा तो सामने से गेरुए वस्त्र में, अपना शरीर ढके हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए परमहंस जी आ रहे थे। जय श्री कृष्ण।